हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो पबजी बैन हो गया यार। फाइनली पबजी बैन हो गया, जिस चीज़ का लोगों को डर था, कई लोगों को खुशी है। जैसे टिकटॉक का भी दोनों साइड था, कई लोग खुश थे, कई लोग नहीं खुश थे जो यूज़ करते थे। तो ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन के यूज़र को तो कभी अच्छा नहीं लगेगा कि वो एप्लीकेशन बैन हो जाए। बट वही है, गवर्नमेंट की बातें तो माननी पड़ती हैं, और फिर वरना आप देशद्रोही हो जाओगे अगर आप नहीं मानोगे तो। चलो ठीक है, वो सब छोड़ो, पबजी मोबाइल बैन हो गया है फाइनल। जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है, अलॉन्ग विद पबजी 118 अदर एप्लीकेशंस आर बैंड, एंड ऑल ऑफ दीज आर चाइनीज एप्लीकेशंस। दैट्स द रीज़न दीज एप्लीकेशंस आर बैंड। तो चलो न्यूज़ आर्टिकल्स के गो थ्रू जाते हैं। मैंने भी अभी आके शाम को घर पे न्यूज़ आर्टिकल ही देखे थे, तो देखते हैं उसमें क्या डिटेल्स हैं। तो भाई ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ऑन वेडनेसडे, दैट मीन्स टुडे, इश्यूड ऑर्डर्स टू बैन 118 मोर देन चाइनीज ऐप्स आफ्टर बैनिंग 59 ऐप्स इन द फर्स्ट राउंड। द न्यू ऐप इंक्लूड पॉपुलर मोस्ट गेमिंग ऐप पबजी एंड ऐप्स फ्रॉम स्टेबल ऑफ बाइडू, टेंसेंट एंड शायोमी। ईटी रिपोर्टेड लास्ट मंथ दैट द गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 275 मोर चाइनीज ऐप्स इंक्लूडिंग पबजी विच कुड बी बैन्ड ऑन कंसर्न ऑफ data security. This comes after fresh tensions on the border between India and China. तो भाई सिंपल इसका मतलब ये है कि PUBG बैन हो चुका है, अब कोई इसका वो नहीं बचा है दूसरा साइड की होगा, हो चुका है PUBG तो बैन हो गया है। और लेकिन वही है, सबसे मेजर इम्पैक्ट इस चीज़ का जैसे TikTok यूज़र्स पे आया था TikTok का, कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो फेम कमाया था, जो उनके फॉलोअर्स थे वो टिकटॉक पे थे। ऐसे ही पबजी वालों का, जो मेन पबजी स्ट्रीमर है, जिसका भाई फेमस ही पबजी की वजह से कि वो एक पबजी प्लेयर है, पबजी स्ट्रीम करता है अच्छे लेवल पे, तो उसका क्या हाल होगा यार। अब वही है उस बंदे का, मान लो भाई मैं जॉब करता हूँ, मेरे को कह दे कल से जॉब पर नहीं आना, फिर वही हाल है स्ट्रीमर्स का भी। बट वही है, इस चीज़ को नेगेटिव ना लेके हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि ये देश हित में बात है, गवर्नमेंट ने बोला है तो चलो ठीक है। जिसको खेल रहे हैं पीसी खेलो यार, पबजी पीसी में भी आता है। बट वही है, मोबाइल का अपने यहाँ यूज़र्स ज़्यादा थे, तो अब तो नहीं हो सकता कुछ, इसलिए इसका अल्टरनेटिव कॉल ऑफ ड्यूटी है। मैंने खुद कॉल ऑफ ड्यूटी पे स्विच कर लिया था करीब करीब 4-5 महीने पहले से ही। मैं पबजी अनइंस्टॉल कर दिया था, नहीं खेलता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ गए थे उसमें और मुझे कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लगा था, इसलिए फिर मैंने COD पे स्विच कर लिया था। और कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत बेहतरीन गेम है, गेम प्ले अच्छा है, कंट्रोल्स भी अच्छे हैं, मेरे को तो ज़्यादा सही लगा पबजी से कॉल ऑफ ड्यूटी। तो वही है, स्ट्रीमर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे दूसरे गेम्स की तरफ। बाकी ये है कि लास्ट ईयर इन अ मेजर ऑफ पबजीज ह्यूज पॉपुलैरिटी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग एन इवेंट ऑन एग्जाम स्ट्रेस हैड रिमार्क टू मदर कंप्लेनिंग अबाउट हर टीम। ये पबजी वाला है क्या, ये पबजी वाला है क्या? तो वही है, उन्होंने खुंदस पहले से ही पाल रखी थी और आज वो खुंदस पूरी हो चुकी है। ये रही, ये पबजी वाला है क्या। ठीक है, पबजी वाले थे जितने, अब कोई नहीं बचेगा पबजी वाला। तो भाई पबजी का देखो अब कुछ नहीं हो सकता, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो जिसको खेलना है, जिसको स्ट्रीम करना है। और इस चीज़ को यार पॉजिटिव लो कि खाली एक कॉल ऑफ ड्यूटी ही नहीं, उसको भी भगवान नहीं बनाना, पबजी को जैसे भगवान बना दिया था। क्योंकि देखो एक चीज़ तो फैक्ट है, और ये फैक्ट सब एग्री करेंगे इस फैक्ट से, कि जो अपना ई स्पोर्ट्स में रेवोल्यूशन आया इंडिया जैसी कंट्री में, वो पबजी की वजह से ही आया। एक हाइप जो मिलता है ना इंडस्ट्री को, वो हाइप पबजी की वजह से मिला है। बट अब वो चीज़ आ गई, हाइप आ चुका है, यूज़र्स हैं, स्ट्रीमर्स हैं, प्लेयर्स हैं जो कि ई स्पोर्ट्स में अपना करियर देखते हैं और वो ई स्पोर्ट्स फुल टाइम करते हैं। तो यार उन लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो दूसरे गेम्स की तरफ बढ़ें और नए नए गेम्स स्ट्रीम करें। उससे क्या होगा, स्ट्रीमर तो कर ही रहा है, ऑडियंस भी गेन होगी नए नए गेम्स के लिए। और ये चीज़ सही है, काफ़ी ऐसे गेम्स हैं जो अच्छे हैं और नहीं खेले हैं, जैसे प्लेस्टेशन के काफ़ी गेम्स हैं, GTA 5 भी कम लोग स्ट्रीम करते हैं, लेकिन गेम अच्छा है GTA 5 भी, कॉल ऑफ ड्यूटी भी, काफ़ी सारे गेम्स हैं ऐसे। बाकी ये है कि पबजी का मुकाबला तो नहीं है, पबजी से निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा लोगों को, बट ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो गया तो हो गया, देश हित की बात है यार, माना करो।
बाकी पबजी जो है इंडिया इट इज़ लार्जेस्ट मार्केट अकॉर्डिंग टू ऐप इंटेलिजेंस फॉर्म सेंसर टावर एस्टिमेट जनरेटिंग अबाउट 175 मिलियन इंस्टॉल्स टिल डेट. दैट मीन्स 20% 24% ऑफ टोटल डाउनलोड्स इज फ्रॉम इंडिया फॉर पबजी. ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है यार, किसी चीज़ का 24% इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी एक पबजी गेम. तो ठीक है यार, वीडियो का यही मोटिव था कि पबजी बैन है और अब हमें क्या करना है, अब हमें COD खेलना है और दूसरे गेम्स की तरफ जाना है. और स्ट्रीमर्स का भी यार फ़ायदा ही है इसमें, एक पबजी 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 भगवान बना दिया था पबजी को, पर अब निकलो वहाँ से और दूसरे गेम्स की तरफ चलो. तो चलो वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को लाइक करना.